हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल्ड टाइम क्लासिक सहारनपुर चैनल पर। दोस्तों, मैं संजीव तोमर एक बार फिर आपके लिए, जो हमने दोस्तों यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच चलाया उसकी क्लास लेकर आया हूँ। आज की जो क्लास है दोस्तों, ये मैसे लैसे की यानी महत्तम समापवर्तक और दूसरा लघुत्तम समापवर्तक की थर्ड क्लास है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले अभी दो क्लास आपकी हो चुकी हैं। कितनी? दो क्लास आपकी हो चुकी हैं दोस्तों। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इसकी जो हमने एक बेसिक क्लास बनाई है उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास अगर आप नहीं देखोगे तो दोस्तों आप ये यहाँ पर थोड़ा कम समझोगे क्वेश्चन, यानी किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। अगर आप एक बार बेसिक क्लास देख लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं और इजीली आप देख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले हमने एक चार्ट बना रखा दोस्तों। इस चार्ट को आप किसी भी डिपार्टमेंट जिसकी आप प्रिपरेशन करते हो यहाँ से आप देख सकते हो, और उन उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसके अंदर दोस्तों इसके क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं इस चैप्टर के। और बेसिकली ये बात बताई क्यों गई, क्योंकि हमारे साथ हाल ही में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में दोस्तों 12th किया है, तो 12th होने की वजह से वो थोड़ा डाउट में रहते हैं कि क्या कि ये मेरे सिलेबस में है या नहीं है। तो मैं दोस्तों बता दूं, इनका जो भी एग्ज़ाम होता है ये डिपार्टमेंट दिए गए तो इनके अंदर इसके क्वेश्चन मिलते ही हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो शुरुआत करते हैं हम आज के विचार से। आज का विचार क्या है दोस्तों, इसे ध्यान से देख लीजिए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोड़ना आसमान बाकी है। मेन ये है दोस्तों कि अभी आपने प्रिपरेशन करी, आप तो फ़िलहाल आपने मुट्ठी भर ज़मीन ली यानी तोली है। मेन मतलब ये हुआ कि अभी आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा हुई या नहीं हुई ये बात तय नहीं करता, लेकिन ये बात तय करता है सक्सेस होने के बाद भी आपको क्या करना है। आपको सक्सेस होने के बाद करना ये है दोस्तों कि आपको पूरा आसमान तोड़ना है। आसमान तोड़ना बाकी है मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा जो एम है आपके या गोल कह दो, ये अच्छा ज़्यादा वर्ड रहेगा, गोल सभी आपको गेन करने हैं, ठीक है ना। सभी गोल गेन करने के लिए आपको करना क्या होगा, बस आपको इन सारी इसका टोटल मोरल क्या निकलता है, ये जो डायलॉग दिया गया हिंदी में क्योट्स लिखा हुआ, इसका मतलब है कि दोस्तों आपको मेहनत करनी है। और कैसे मेहनत करनी है, फोकस के साथ। फोकस किस पर होना चाहिए आपका, ओनली पॉइंट टू पॉइंट ओनली, ठीक है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए तब अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरी आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, तो आप अपनी मेहनत निरंतर जारी रखिए। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3, 5 और 8 शेष बचे, कितने? 3, 5 और 8। देखो क्या दिया गया था आपको, 16, 18, 21। मैंने जैसे अगर आपने बेसिक क्लास देख ली फिर तो ठीक है, अगर सेकंड देख ली फिर भी आप ये बात समझ सकते हो करना क्या है। यहाँ पर करना क्या है, जब अलग अलग शेष हो तो एक शेष निकालना होगा, और आंसर कैसा मिलेगा एलसीएम लेने के बाद आपको शेष घटा देना है, बस यहाँ से एलसीएम लेने के बाद करना क्या है, शेष घटा देना है, बस ये आपका आंसर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर बचे 13, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13, तो शेष रहेगा अब आपका 13। और ये जो वैल्यू है इसका एलसीएम आपको ले लेना है। तो 16 क्या है आपके पास, 16, 18, 21, अगर 16, 18, 21 का एलसीएम देख लिया जाए तो इसका एलसीएम रहेगा 1008। एलसीएम लेने का मैंने जैसे दोस्तों आपको तरीका बताया है, और यहाँ से घटा क्या देना है आपको, 13 घटा देना है, तो 13 घटाने के बाद आपको मिले 955, कितने मिले आपको 955 आपके आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। एक बात और है दोस्तों,
अगर मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर टिक करना भूल जाता हूँ तो मैं यहाँ साइड में लिखता हुआ चलूँगा। जो मैं यहाँ साइड में लिख दूँगा इस पर आप बिल्कुल फोकस करना, यही मेन आंसर होगा। फाइनली जो आंसर रहेगा यहाँ पर जो मैं लिख दूँगा वो फाइनली आंसर रहेगा आपको, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। वह न्यूनतम संख्या, अब न्यूनतम संख्या की बात है तो बस आपको एलसीएम निकालना है, जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। तो यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। तो इसका लेना है आपको एलसीएम और यहाँ से घटा क्या देना है, शेष, ये आंसर रहेगा। अगर इसके एलसीएम की बात की जाए तो इसका एलसीएम होने वाला क्या, 288 और यहाँ पर से घटा देना कितना है, 10 ओनली, 10 घटा दोगे तो 2870 ये मिलेगा, 2870, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ठीक रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन ए ठीक। तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ नहीं, बस आपको डिवाइड करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। चार अंकों की वह बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 357, 357, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1, 3, 5 और 7 रह जाता है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो करना क्या होगा, एलसीएम लेना है आपको और एलसीएम के बाद एलसीएम में से शेष घटा देना, ये आपका आंसर रहेगा, ये तरीका है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो शुरुआत करते हैं, तो इसका एलसीएम अगर देख लिया जाए दोस्तों तो इसका एलसीएम होने वाला क्या है, यहाँ पर इसका एलसीएम रहेगा क्या, रहेगा 315। अब 315 से करना क्या है कि चार अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसे डिवाइड कर देना, यह है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसे डिवाइड करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर ये 3 टाइम चल जाएगा, कितना, 3 टाइम, तो 3 टाइम चल जाएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, 945, यहाँ से फिर घटा दो, यहाँ पर 5 और यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर तो 5, 4 और फिर 9 ये बचा, तो यहाँ पर एक बार फिर चला 315, अब मिला 234, कितना मिला 200, इसका मतलब 31 से बड़ी बड़ी, जो 31 से बड़ी वाली वैल्यू नहीं होगी डिवाइड तो 31 तक ही होगी, इसका मतलब हुआ कितना है, 31 तो हुआ, तो 31 की मल्टीप्लाई कर दो बस एलसीएम में, एलसीएम में कितना कर देना है आपको, जो भी एलसीएम था 315 था ना आपका एलसीएम, 315 में 31 की मल्टीप्लाई और शेष कितना था 2, वो आपको घटा देना है, ठीक है ना, इसी के थ्रू आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं दोस्तों सोल्व, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलने वाला है 9765 और 2 घटा देना आपको तो क्या मिलना, 97663, ठीक है, 9763 कौन सा ऑप्शन है, 9763 ए ऑप्शन ठीक है, कौन सा, ए ऑप्शन दोस्तों ठीक है आपका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ आई अच्छे से। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है, तो ऐसे एक वाले केस में करना क्या होता है, एलसीएम और प्लस शेष, ये करना होता है बस ऐसे वाले केस में, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा। तो 25, 40 और 60, तो इसका एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों, इसका एलसीएम रहेगा आपका, एलसीएम, एलसीएम रहेगा यहाँ पर 600, कितना होगा 600, मतलब एलसीएम वो संख्या होती है जो दोस्तों सबसे कैंसिल होती हो, ठीक है ना, तो 600 इन सभी वैल्यू से, 25 से भी कैंसिल हो जाएगा, 40 से भी और 60 से भी। अब शेष ऐड कर देना, शेष कितना था 7, तो आंसर क्या मिलेगा 607। ये कब की कंडीशन है, जब हर बार की बात है या प्रत्येक बार 7 मिलता हो, ठीक है ना, या कोई भी शेष मिलता है, एक शेष मिलना चाहिए बस। अब नेक्स्ट है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से विभाजित किया जाए तो यहाँ पर कितना शेष बचने वाला है, 3 शेष बचने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो इसका एलसीएम कितना होगा ये देखना है आपको,
ठीक है। एलसीएम कितना रहेगा इसका, ध्यान दीजिए बस, इसका एलसीएम 15, 20, 48, तो इसका एलसीएम रहेगा 720। कितना? 720। अब रूल क्या था, जो हर बार है उसमें शेष ऐड कर देते थे, ठीक है ना, शेष ऐड कर देते 3, तो शेष ऐड करने पर 723 ये आंसर मिलेगा। कौन सा? 723। तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन ठीक है आपका, ठीक है ना दोस्तों, समझ आया। एलसीएम में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर बता दी एक बार, चलिए मैं बता देता हूँ इसका एलसीएम, है ना। कैसे क्या था आपके पास? 15 था, 20 था, 36 था और 48, ये लीजिए। चलिए एक बार फिर 200 कैंसिल कर देते, 15 नहीं होगा यहाँ पे, ये 10 ठीक है, ये 18 और ये होगा 24, फिर 200 कर देते हो आप तो 15 नहीं होगा, ये 5, ये 9 और ये 12। अगर देख लिया जाए तो इस बार ये और किसी से नहीं, बस 4 से काट दो दोस्तों, 15, 5, 9, 4, 4, 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 से, 3, 5, 15, 5, 3, 9 और 3, 3, यहाँ पे फिर 3 से, अब यहाँ पे 5 बचा ओनली, फिर 1 और 1, यहाँ पे फिर 5 से डिवाइड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस आप, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 दून 4, 4 दून 4 चौक 16, 16 तेरह 48, 48 तेरह, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। समझे आप दोस्तों? ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन सोल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या, तो ठीक है, जिसे 24, 36 से विभाजित करने पर शेष 14 और 26 प्राप्त हो। 24 और 36 से विभाजित करने पर कितना है शेष? 14 और 26 प्राप्त है, यहाँ पर भी 10 बचा, यहाँ पर भी 10, तो इसका क्या लेना है? इसका एलसीएम, और उसमें से करना क्या है? शेष घटा देना है आपको, कितना घटा देना है? शेष। तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम हो जाएगा दोस्तों इसका 72। कितना होगा? 72, क्योंकि 72 24 से भी कैंसिल होता है और किससे? आपका 36 से भी, यहाँ से घटा कितना देना है? 10, तो 62 रहेगी वो संख्या दोस्तों जिसकी आप बात कर रहे हो। कौन सी? 62, तो बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38, 57 से विभाजित किए जाने प्रत्येक मामले में कितना 23 शेष बचे। जैसा कहा गया बस वो करना आपको, ठीक है ना, क्या करना है? जैसा कहा गया तो 38 और 57 का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम क्या रहेगा? 114, ठीक है ना, एलसीएम कितना रहा? 114। अब एक काम और करना आपको, आपको देखना है कि 900 और 1000 के बीच में वो कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले एक काम करिए, 900 को आप 1014 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 900 कितना है? ये है दोस्तों 900, तो कितनी बार डिवाइड होगा ये? 8 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, होगा। तो अगर देख लिया जाए दोस्तों ये आपका 8 बार, 8 बार क्यों चलाए? क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, ये इसलिए चलाया दोस्तों, ये 900 से तो बड़ी है और 1000 से छोटी है, इसलिए हमने ये चलाया, 900 से बड़ी और 1000 से छोटी, यानी ये संख्या ये हुई दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल मोरल निकलता क्या है? मोरल ये निकला दोस्तों, तो यहाँ पर संख्या तो रहेगी 912 और प्लस 23, शेष जोड़ देना, ये रूल था। ये क्या था रूल? एलसीएम प्लस शेष, कब? जब एक शेष बचता हो, एक शेष है सिर्फ, तो आंसर रहेगा 935। क्या रहेगा आंसर? 935, तो ऑप्शन ए ठीक रहेगा। कौन सा? ऑप्शन ए ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 42, 18 में से घटाए जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे जिससे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। जैसा कहा गया बस वैसा करना है दोस्तों आपको, जैसा भी कहा गया वैसा करना है, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं किसका? 13, 17 और 19 का दोस्तों। कितना? 13, 17 और 19 का एलसीएम लेना है आपको।
तो इसका एलसीएम रहेगा क्या? सभी अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो एलसीएम इसका सभी की मल्टीप्लाई कर दो बस, 41, 99 ये होगा दोस्तों। अब रूल क्या है, शेष हर दफ़ा वाले में जोड़ देते हो आप, तो ये हो गया 41 ये हुआ 41, 99 ठीक है ना। कितना जोड़ देना है आपको, 10 जोड़ देना है, कितना 10, अगर 10 जोड़ दोगे तो मिलेगा कितना, ये 42, 09 कितना मिलेगा, ये 42, 09 ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको बताना कितना था, इसमें से घटाने के बाद कितनी बचेगी संख्या, तो देखिए 42 18 में से घटाई जाने वाली संख्या, तो 42, 09 तो 9 बचेगा दोस्तों, ओनली क्या बचेगा, 9 ऐसा कहा गया था, डी ऑप्शन, वरना क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो गया था, बट जैसा कहा कंडीशन बढ़ा दी थी तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग सोल्व किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष हो। 3 अंकों वाली थी ठीक है ना, तो कोई बात नहीं बता देंगे दोस्तों, 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम पहले, तो सबसे पहली बात तो आपकी यही है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम रहेगा 990, कितना रहेगा 990। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको, शेष कितना बचा, एक एक और जोड़ दो बस, क्योंकि ये रूल ही था एलसीएम प्लस शेष, तो ये आपका आंसर रहेगा, ये है दोस्तों 3 अंकों वाली संख्या, सी ऑप्शन ठीक है ना। लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर क्रम से 8, 14, 32, 41 शेष बचे। तो 12 है, 18 है, 36 है, 45 है, और शेष कितना बचे दोस्तों, 8, यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना 32, और यहाँ पे 41, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से भी 4 बचा, यहाँ से 4 और यहाँ से भी 4, तो ये जो संख्या है इसका एलसीएम लेना है और उसमें से ये शेष घटा देना है। इसका एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों, एलसीएम रहेगा इनका, यहाँ पे एलसीएम रहेगा कितना, ध्यान से देखना दोस्तों, 180 ठीक है, 180 सभी से कैंसिल होगा और 4 आपको घटा देना है, तो आंसर मिलेगा आपका 176, क्या रहेगा 176, कौन सा ऑप्शन है, सी ही ऑप्शन इसका भी ठीक है। पंद्रह सौ और 2000 के बीच वह संख्या जो 36, 102 से विभाजित हो जाए, और बस ये बताना आपको उनके बीच की संख्या कौन सी है, 36 और 102, सबसे पहली बात 36 और 102 का आपको लेना है एलसीएम, इसका एलसीएम क्या रहेगा, ये रहेगा 612 ठीक है ना। तो आपको डिवाइड करना है किसे, 2000 को कर दो बस, क्योंकि उससे छोटी जो वैल्यू रहेगी वही आंसर निकाल लेंगे हम, 612 से आपने डिवाइड कर दिया किसे, 2000 को ठीक है ना, 2000 को, तो 3 बार डिवाइड करा तो 1836 रहेगा, कितना 1836, यहाँ से कितना मिलेगा, 164, कितना 164 ठीक है ना। तो 164 मिला आपको, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको देखना है बस इससे छोटी क्या रहेगी, वो 200 तो बड़ी और 3 से छोटी है, यानी 3 से बड़ी, 3 से छोटी रहेगी तकरीबन, तो इसी की मल्टीप्लाई कर दो बस, एलसीएम में आपको करना क्या है, 3 की मल्टीप्लाई, तो 6, 3 और 18 ये आंसर रहेगा, 1836, तो सी इसका भी ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर दिया गया 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई। सबसे पहली बात होगी आपकी एलसीएम निकालना है, एलसीएम कितना हुआ 60, अब 4 अंकों की है संख्या, तो 4 अंकों की संख्या को 60 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, एक दफ़ा यहाँ से कितना मिला, यहाँ से 9, यहाँ से 3 और फिर 9, 3 दफ़ा चलाया, 6×36, 360,
फिर 3 9, फिर 9, ये भी इतना ही। तो ये मिलेगी दोस्तों संख्या, कितनी है ये अगर देख ले जाए तो कितनी संख्या मिली आपको, यहाँ पर मिली ठीक है ना, इतनी दफ़ा। एक गलत किया हमने, गलती क्या की दोस्तों, यहाँ पे 6 6 दफ़ा चलना है, कितनी दफ़ा, 6, ये भी 6 था, ये भी 6 था, तो 60 आपका एलसीएम था है ना, और 60 में 166 की बस मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, कितना रहेगा 9960, 9960। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा, कौन सा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। वह 4 अंकियों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से प्रति में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, वही काम 12, 15, 18 और 27, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या रहेगा इसका, एलसीएम रहेगा 540। 540 से डिवाइड किसने करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, 4 अंकों की ये है सबसे बड़ी संख्या। एक बार चला 540 ठीक है ना, तो तकरीबन एक बार चलने के बाद कितना बचा, ये 9, ये 5 और ये कितना बचा दोस्तों, 4, फिर रहे ये 8 बार फिर चला दोस्तों, तो 18 के मल्टीपल रहेगा जो भी रहेगा, 540 गुना 18, क्योंकि इससे ज़्यादा है फिर अदरवाइज़ वो ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, 4 अंकों से ज़्यादा की पहुंच जाओगे अगर 19 की मल्टीप्लाई करोगे आप। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 97 20, कितना मिलने वाला है, 97 20, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन ठीक है, कौन सा, बी ऑप्शन ठीक है दोस्तों आपका, ठीक है ना, ये बात समझ आई होगी आपको। अब यहाँ पर कुछ घंटियों वाले सवाल भी हैं, 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर 3 6 9 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, इसके अंतराल पर बजती हैं सेकंड के, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 180, क्या रहेगा, 180 एलसीएम रहेगा इसका, ठीक है ना, अगर इसका 180 एलसीएम है, ये थी क्या दोस्तों सेकंड, तो मिनट 3 हो गया, 3 मिनट, तो 36 मिनट में पूछा गया, 36 तो इसे डिवाइड कर दिया और एक और ऐड कर देना आपको, ठीक है ना, तो हुआ 12 और 1 13 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन ठीक है। समझ आया दोस्तों आपको, ये घंटियाँ एक साथ फिर बजेंगी, 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजकर वे तीनों क्रम से 20 30 और 40 मिनट के अंतराल पर, इसका एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों, इसका एलसीएम रहेगा, ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम क्या रहेगा, यहाँ पर एलसीएम रहेगा 120, ये मिनट था, तो अगर देख ले जाए घंटे, घंटे कितने बन जाएगा, 2 घंटे बाद है ना, 120 मिनट में तो 2 घंटे होते हैं ना, तो 11 बजे थे सपोज, क्या टाइम था 11 बजे और 2 घंटे और बढ़े तो मिला कितना, 1 बज गए पूरे, 1 बजे दोबारा एक साथ बजेंगी में 1 बजे, तो आंसर क्या रहेगा, बी आंसर आपका ठीक है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तो अभी तक सारी बात समझ भी आई होगी तकरीबन। अगला क्वेश्चन, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियाँ क्रम से 24 सेकंड 36 सेकंड 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं, 24 सेकंड है 36 है और 54 है, इसका लेना है आपको एलसीएम, एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों, इसका एलसीएम होगा 216 और ये है दोस्तों सेकंड है, ठीक है ना, तो क्या कह दोगे इसे, 3 मिनट, 3 मिनट में 180 सेकंड होता है 36 सेकंड, तो यहाँ पर 10 15 और ये 3
छत्तीस, यहाँ पर आंसर क्या मिला, 10, 18, एक मिनट दोस्तों, और ये रहेगा 36 आपका, 10, 18, 36 कितना रहेगा, 10, 18, 36 कौन सा है, बी ऑप्शन ठीक है आपका। सबसे पहले किया कि एलसीएम, एलसीएम के बाद किया क्या आपने, एलसीएम के बाद आपने उसे मिनट में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद ऐड कर दिया, बस आंसर आपका मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त हो, लेकिन 9, वह 9 द्वारा विभाजित हो। ये कुछ क्वेश्चन अलग तरह के हैं दोस्तों। सबसे पहले 5, 6, 7 और 8, इसका एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा यहाँ पर कितना कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम आपका रहने वाला है 540। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करने होते हैं, 540 कितना है ये, 540 ठीक है ना, 540 में आपको के जोड़ देना, सॉरी 540 नहीं दोस्तों, 840 है ये, और जो शेष बचा कितना कितना बचा, ये 3 शेष, 3 हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर आसान तरीका ये होता है दोस्तों, के की वैल्यू रखनी होती है आपको, के की वैल्यू कैसे रखोगे आप, आसान कैसे बनेगा आपके लिए, के की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए 900 पूरी विभाजित हो जाए। अब इतनी बड़ी वैल्यू में तो आपको समस्या होगी, तो करना ये है, छोटा करने के लिए आपको 9 से डिवाइड कर देना 840 को, 9, 9, 81, फिर 3, 9, 27, फिर 3, तो मतलब हुआ ये, इसे आप इजी लिख सकते हो, जो शेष बचा और के है उसके साथ 3, तो के की वैल्यू कितनी रखी जाए, 2, के की वैल्यू 2 रख दो, 2, 3, 6 और 6, 3, 9, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको, तो ठीक है 9 है तो 9 से विभाजित हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, आंसर देना है, आंसर क्या रहेगा आपका, 840 एलसीएम था और आपने किया क्या, यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई कर दिया और 3 जोड़ दिया, तो 680 प्लस 3 1683, कितना आंसर रहेगा, 1683 ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ये आपका। वह सबसे छोटी संख्या जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे लेकिन 7 से विभाजित हो, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम रहेगा क्या दोस्तों, इसका एलसीएम रहेगा आपका 3600 पूरा, तो कितना हुआ 3600 के प्लस 4 ठीक है ना। तो यहाँ पर करना क्या, 3600 मल्टीप्लाई कितने करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी होगी वही 7 से डिवाइड करना है फिर उसके बाद, है ना, 7 से डिवाइड करने के लिए अब आपको ये थोड़ी सी समस्या होगी, तो आपको बस ये डिवाइड करके देखना, यहाँ पे के की वैल्यू रखनी होगी आपको 5 ठीक है ना, 5 रखने के बाद, अब जैसे ही 5 रखोगे तो इसे सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1800 तो ये हुआ और 4 ये है, 18000 तो ये और 4 ये था तो प्लस था दोस्तों, ये 18004 ये आपका आंसर मिला। और कैसे पता लगा आपको ये शॉर्ट में था, ये 36 तो था दोस्तों, इसे डिवाइड किया आपने 7 से, 7, 5, 35, 1 बचा 0, 7 एकम 7, फिर 3, 7, 4, 28, अब बचा 2, तो ये था वो 2, 2 के प्लस के शेष कितना था दोस्तों, यहाँ पे शेष था 4, तो अगर 5 रखोगे इसकी वैल्यू के की और ये 4, तो ये होगा 10, 4, 14, तो ये डिवाइड होगा आपका, किससे होगा ये डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 7 से, इसलिए हमने इसकी वैल्यू 5 रखी, तो आंसर क्या रहेगा, 1004, तो डी ऑप्शन ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13 का वह सबसे छोटा गुणन जो 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो जाए, इसका एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम यहाँ पर रहेगा इसका
कितना रहेगा दोस्तों, इसका एलसीएम रहेगा 420। तो करना क्या है, 420 के प्लस के शेष कितना बचता है, 3। इसे भी वही डिवाइड कर देना, बस आप डिवाइड करना तो समझ ही चुके होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे के की वैल्यू आप 9 रख दीजिए। अब 9 रख दोगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 रखने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 37, 80 और 3 आपका बचा तो कितना होगा, 37, 83 आंसर है, बी ओ आंसर है आपका, ठीक है ना। 13 का सबसे छोटा गुणज, इसमें भी ऐसा ही बताना है आपको, 4, 5, 6, 7 और 8, इसका एलसीएम लेना है आपको। सबसे पहली बात तो ये एलसीएम क्या रहेगा, इसका एलसीएम रहेगा 840। तो करना क्या है, 840 के प्लस के शेष था 2, तो 13 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू पुट करनी होगी, वही के का मान यहाँ पे सिर्फ आपको रखना होगा 3। कितना रखना होगा, 3। अब ये तरीके से मैंने सोल्व करके दिखा दिया, आप समझ सकते हो दोस्तों। सॉरी, ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 25, 20 और 2 और जोड़ देना, 25, 22। तो ये आपका आंसर रहेगा कौन सा, 25, 22 आपका आंसर रहेगा, कौन सा ऑप्शन ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, कौन सा, सी, ये रहा सी ऑप्शन। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे, ठीक है, कितना बचे, शून्य शेष बचे, बस आपको यही देखना था। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम रहेगा 72, कितना, 72। अब उसने कहा तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे, तो अगर 13 से डिवाइड कर दोगे तो 7 शेष बचेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर 72 ही आंसर रह जाएगा, ये ठीक है, कंडीशन उसे भी फॉलो करता है। देखो अगर 13 से डिवाइड, 13 5 65 में से फिर ये 7 ही बचा ना, ठीक है बस, यानी 72 को अगर आप 13 से डिवाइड कर देते हो, 13 5 65 और यहाँ से बचा 7, तो होगी ना सारी। दो सेकंड कंडीशन, 13 से भाग देने पर 7 शेष है, 13 से भाग देने पर 7 शेष है, ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ समझना है, ये थोड़ा सा डिलीट करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, बस हो गया डिलीट, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा, 72 बी ऑप्शन आपका ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणा जो 15, 24, 32 से भाग देने पर 2, 11, 19 शेष बचे, 15 है, 24 है और 32 है, 2, 11 और 19 शेष बचे, यहाँ पे कितना, 13, यहाँ पर भी 13, तो 13, इसका एलसीएम लेना है आपको। क्या रहेगा इसका एलसीएम, बस इसका एलसीएम बताना है दोस्तों आपको, इसका एलसीएम 480 रहेगा, कितना, 480। तो यहाँ पर रहेगा 480 के प्लस के, सॉरी माइनस के, क्योंकि अलग अलग शेष होता है फिर घटाते हो आप, तो अलग अलग शेष में क्या था, कितना शेष बच रहा था आपका, 13, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू क्या रहेगी, के की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 दोस्तों सिर्फ, और 13 आपको घटा देना है, इस पर घटाने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है 23, 87 है ऑप्शन में, हाँ दोस्तों बी ऑप्शन में आपके आंसर है, कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन ठीक है एग्जैक्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 16, 31 इससे भाग देने पर अलग अलग शेष बचे, 18 है, 21 है, 24 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 13, तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा आपको कितना बचा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 11, यहाँ पर भी 11,
और यहाँ पर भी 11, तो इसका लेना है आपको एलसीएम। इसका एलसीएम रहा क्या वो बताइए दोस्तों, इसका एलसीएम रहेगा आपका कितना रहा आपका एलसीएम, ध्यान दीजिए बस दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि तकरीबन अब इसका एलसीएम अगर आपने बता दिया इजीली तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका एलसीएम ध्यान दीजिए 504 रहेगा, क्या रहेगा 504, अलग अलग शेष है तो 504 के माइनस 11 घटाना है, तो वैल्यू क्या रखनी है के की वैल्यू रखनी है आपको 6, 504 गुना 6 माइनस के 11, इसकी मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा क्या आपको, ध्यान दीजिए ये मिलेगा 3024 माइनस 11, 3024 में से 11 घटाने के बाद 3013 आपका आंसर मिला, कितना 3013, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं दोस्तों, ठीक है। फिर एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है, यदि वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है, यदि वह प्रत्येक में 7 रखता है तो उसके पास पास कुछ भी नहीं बचता, 7 से डिवाइड करना है, 3, 4, 5 और 6 इसका लेना था एलसीएम और शेष जोड़ देना था 1। अब ये एलसीएम कितना हुआ, यहाँ पे एलसीएम देखें, यहाँ पे एलसीएम सिर्फ 60 रहेगा, 60 के प्लस 1, इसे डिवाइड करना है अब आपको 7 से, 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू रखनी होगी, वैल्यू रख देते हैं बस दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखनी है के की 5, तो 60 गुना 5 प्लस 1, तो 301 रहेगा आंसर, कौन सा 301, तो सी ऑप्शन ठीक है, कौन सा सी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो अंकों की एक संख्याओं में लघुत्तम उन संख्याओं के महत्तम का 6 गुना है, जो आपका एलसीएम है ये 6 गुना है मैसह का, यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो, दोनों में से छोटी संख्या कितनी 6 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, ठीक है दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे अब एक संख्या दी गई तो फॉर्मूला क्या होता है उसे फॉर्मूले के थ्रू कर लो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, तो क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या एक तो 6 दे दी, दूसरी आपको बतानी है ठीक है ना, तो मैसे कितना है ओनली मैसे एक्स ही रहेगा, सपोज एक्स है तो, और यहाँ पर लेसे कितना है, लेसे रहेगा 6x, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर सेकंड संख्या बची है आपकी एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी स्क्वायर में होगी वैल्यू वही आंसर रहेगा, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है, कौन सा सी ऑप्शन ठीक है, ये स्क्वायर में क्या है 9 है ओनली और अदरवाइज स्क्वायर में नहीं है कुछ भी। अब एक और संख्या क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्याओं का मैस है ये है और उसका लेस है ये है, यदि एक संख्या इतनी तो ईजिली कर सकते हो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैस है गुना लेस है, ठीक है ना, ये हुआ, यहाँ पे इसे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए बस आप, तो ये बटे में पहुँच जाएगा, सेकंड संख्या का निकालनी 96 गुना 12 96 और बटे कितना हो गया 8604, कितना 8604, तो यहाँ पर सारा कितना मिला इतना आंसर 144 आपका आंसर मिला, दूसरी संख्या कितनी थी 144, तो ऑप्शन कौन सा है डी ठीक है। अच्छा दोस्तों काटने को तो मैं काट के दिखा सकता हूँ, बट मुसीबत एक है, अगर मैंने काट दे तो वहाँ आपको जब आप चेक करोगे ना तो उसमें कुछ आंसर आपको ऐसा लगेगा कि गलत हो गया शायद, इसलिए मैं काट कर नहीं दिखा रहा ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको काम करना होगा, ये दो संख्याओं का लेस है और मैसे दिया गया, एक संख्या यह है, ये भी एज इट इज कर लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या मैसे और लेस है, इससे से काट दोगे तो कितना रहेगा, सेकंड संख्या बराबर आपका आंसर मिल जाएगा इसे काटने पर 297 297, तो डी ऑप्शन आपका ठीक है, कौन सा डी ऑप्शन ठीक रहेगा, तो आप समझ भी चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन लिए थे, 60 क्वेश्चन हमने तकरीबन कर लिए इसके, और 60 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको पता लगा होगा या एनालिसिस किया आपने कि कितने टफ ये क्वेश्चन हो सकते हैं,
इसलिए बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन के बार बार मल्टीपल टाइम आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम आपको इनका रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स की समस्या से परेशान हैं तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, हमारे इसी चैनल पर करंट अफेयर्स की 2 क्लासेस पर डे होती हैं। कौन सी? एक तो हिंदी में होती है अगर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो किसी भी, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड से, तो तब तो आप हिंदी की क्लास देख सकते हो। ये मिलेगी मॉर्निंग में आपको 4 AM पर, ठीक है ना। और ये इंग्लिश, इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, अगर आप CBSE से बिलोंग करते हो तब भी इंग्लिश में भी आपको मिलेगी। ये कब मिलेगी? 5 AM पर, ठीक है ना, ये याद रखना। बस हाँ दोस्तों एक बात हो रही है, शॉर्ट वीडियो के अंदर मिलता है, इसलिए आपको, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले और सबसे जल्दी आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, अभी तक आपको सारी समस्याएं से निदान मिल चुका। तो दोस्तों इसी के साथ मैं संजय तोमर एक बार फिर विदाई लेता हूँ आपसे। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सकता है ये क्लास तो चाहे आप ज़्यादा शेयर करो ना करो, लेकिन हमारी जो इस बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा होगा बेसिक क्लास के थ्रू, और जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसे भी ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो करंट अफेयर्स में तक मिनिमम 20 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं 30 से के पार भी हो सकते हैं, 30-35 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होंगे आपके, मिनिमम रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कौन सी क्लास है? वो करंट अफेयर, जिसकी वजह से आपके बहुत, ठीक है ना, होगा क्या, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं आपके वो परेशान रहते हैं करंट अफेयर, और कुछ होते हैं तो किसी के बहुत सारे सर जो हैं उनकी क्लास 1-1 घंटे की होती है, लेकिन हमारी क्लास सिर्फ शॉर्ट वीडियो के अंदर 1 मिनट की क्लास है। अगर आपने 1 मिनट के लिए हमारी क्लास देख ली तो आपको करंट अफेयर्स का जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। कब तक दोस्तों? जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना हो, ठीक है दोस्तों। Thanks for watching.